अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन हिल के बारे में। डिज़ाइन हिल कॉन्टेस्ट वेबसाइट है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर आप सभी डिज़ाइन हिल पर काम करते हैं और जिन लोगों को नॉलेज नहीं है डिज़ाइन हिल कौन सी वेबसाइट है, डिज़ाइन हिल एक कॉन्टेस्ट की वेबसाइट है जहां पे कॉन्टेस्ट लड़े जाते हैं। लाइक 99design एक बार आप विजिट कीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये किस तरीके की साइट है। यहां पे क्लाइंट्स अपने जो भी लोगो वगैरह या रैप वगैरह जो होते हैं उनकी ब्रीफिंग देते हैं और डिज़ाइन हिल को पेड करते हैं, और डिज़ाइन हिल उसका एक कॉन्टेस्ट लॉन्च करता है। तो लोग उस कॉन्टेस्ट के अंदर जितने भी डिज़ाइनर हैं वो अपने अपने डिज़ाइन सबमिट कर रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देन उसके बाद वो कॉन्टेस्ट होल्डर जो है टाइम ख़त्म होने के बाद चूज़ करता है किसी एक को। अगर उसका डिज़ाइन क्लाइंट को पसंद आता है तो वो उसको चूज़ करने के बाद विनर अनाउंस कर देता है। विनर अनाउंस करने के बाद आपको जो विनिंग अमाउंट होती है फाइलें देने के बाद आपके वॉलेट में आ जाती है। तो ये डिज़ाइन हिल के बारे में छोटी सी इन्फो है। तो डिज़ाइन हिल अभी बहुत ही कामयाब वेबसाइट चल रही, काफ़ी सारे डिज़ाइनर आ चुके थे, तो अचानक पता नहीं क्या हुआ कि पाकिस्तान में इस वेबसाइट को बैन कर दिया गया। जी हाँ, आज से ही पाकिस्तान में ये वेबसाइट बैन हो चुकी है प्रॉपर। अगर आप इसको खोलते हैं तो आपकी स्क्रीन पे ये मैसेज लिखा हुआ आता है, ये बिल्कुल नहीं ओपन हो रही है, बैन हो चुकी है पाकिस्तान में। और अभी तक डिज़ाइन हिल वालों की तरफ से कोई अपडेट, कोई ईमेल वगैरह कुछ नहीं आया है कि क्यों पाकिस्तान में बंद करी है, इनका रीज़न क्या है, कोई गलत सबमिशन हो रही थी, जो भी एक्स वाइज़ेड, इन्होंने डिज़ाइन हिल टोटली पाकिस्तान में बैन कर दिए। तो अब डिज़ाइन हिल बैन तो इन्होंने कर दी है, लेकिन इसको चलाने का दूसरा तरीका तो है, प्रॉक्सी के जरिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इजीली एक्सेस हो जाएगी, आप अपने कॉन्टेस्ट वगैरह भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि कल को अगर ये वेरिफिकेशन मांगते हैं नेशनल आईडी कार्ड की या अदर किसी भी चीज़ की, तो लाइक फ़ोन नंबर की मांग लेते हैं, तो आप उस टाइम पे अपना पाकिस्तानी फ़ोन नंबर डालेंगे तो वहाँ पे उनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी पाकिस्तान से है। तो अब उस टाइम पे वो नेशनल आईडी कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बाहर होते हैं, बाहर से यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की होती है, तो क्या उनके लिए कुछ गुंजाइश छोड़ी है डिज़ाइन हिल ने या फिर प्रॉपर बैन कर दिया है। तो अब ये देखना ये है कि ये पासपोर्ट से वेरीफाइड होती है नहीं होती पाकिस्तान के, अगर ये इन फ्यूचर कोई वेरिफिकेशन मांगते हैं। तो दोस्तों, अभी आप थोड़ा सा वेट करें इसकी अपडेट आने का, अभी आप प्रॉक्सी पे इसको इजीली यूज कर सकते, एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप नॉर्मली इस पे काम करें प्रॉक्सी लगा के, और अगर कोई अपडेट इसके हवाले से मेरे पास आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।